दोस्तों आप ये बात तो काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि मारुति की गाड़ियां इंडिया में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हैं, मगर चलिए आज मैं आपको बताता हूँ मारुति की दो बिगेस्ट फेल कार्स जो कि मार्केट में बुरी तरीके से फेल हो गई थीं। और नंबर वन वाली तो एक समय में काफी बुरी तरीके से फेल हो गई थी, मगर आज वो एक सक्सेसफुल कार है। खैर जानने से पहले आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों नंबर टू पर है मारुति किजासी। ये मारुति की एक प्रीमियम सेडान थी जिसको मारुति ने 2011 में लॉन्च किया था। अब क्योंकि ये एक CBU इम्पोर्ट कार थी जिस वजह से इस गाड़ी की प्राइस काफी ज्यादा थी जो कि 17 लाख रुपए से शुरू होती थी और उस टाइम ये प्राइस काफी ज्यादा थी। खैर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करके आप अपनी फेवरेट कार जरूर बताइए। दोस्तों नंबर वन पर है मारुति की ओल्ड ग्रैंड विटारा जो कि एक प्रॉपर 4x4 कार थी जिसको मारुति ने 2009 में लॉन्च किया था जिसकी प्राइस 20 लाख रुपए थी। अब दोस्तों इस गाड़ी के फेल होने का बिगेस्ट रीजन ये है कि इस गाड़ी में एक पावरफुल 2.4 लीटर V6 पेट्रोल इंजन मिलता था। इस गाड़ी में कोई भी डीजल इंजन नहीं मिलता था। वहीं पर इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर यानी फॉर्च्यूनर और एंडेवर उस टाइम डीजल इंजन भी ऑफर करती थी।